विकास खंड राया पर खंड विकास अधिकारी ने अधीनस्थों के साथ बैठक की, जिसमें ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के साथ साथ बेसहारा गौवंश के रखरखाव को लेकर मंथन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लागू किए जाने की स्थिति जानने के लिए खंड विकास अधिकारी श्वेतांग पांडे ने अपने अधीनस्थ ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कार्यों की प्रगति जानी गई। वहीं विशेष तौर पर गांव-गांव बेसहारा घूम रहे गौवंश के रखरखाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। खंड विकास अधिकारी श्वेतांग पांडे ने बताया कि विकास खंड की 5 ग्राम पंचायतों में अस्थायी तौर पर गौशालाओं का निर्माण करा दिया गया है और आगे भी जगह का चिन्हांकन किया जा रहा है। सर बताइए, किस संदर्भ में जो बैठक ली जा रही है? तो हम प्रत्येक सप्ताह अपने जो हमारा पूरा स्टाफ है उसकी साप्ताहिक बैठक किया करते हैं, जिसमें हम शासन की जो प्राथमिकता की योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन हुआ, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हुआ, NRLM हुआ, मनरेगा हुआ, राज्य की 14वें बेटी के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य हुए, इनकी विधिवत समीक्षा की जाती है। समस्त हमारे ग्राम पंचायत सचिव उसमें उपस्थित होते हैं, विभिन्न विभागों के हमारे जो ADO यहाँ पे संबद्ध हैं वो भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन आज का एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि गोवंश के लिए एक अस्थायी पशु व्यवस्था बनानी करनी है, जिसमें जिसके लिए हमने अब तक कार्य किए हुए हैं, जिसमें एक अलोड़ा में कार्य प्रारंभ है, सीधा में कार्य प्रारंभ है, दुर्गा में कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पवेश्वरा में भी कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और इसके अलावा सोनई न्याय पंचायत में भी एक पशुशाला बनाने की हमारी योजना है, इसके लिए जगह चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है।